चलिए मैं एक बार ब्रीफली आपको दोबारा करा देता हूँ बेटी, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट क्या है रिगार्डिंग द इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स बेटा। ये क्या था, इसमें आपने एक बेटा ये दो जो प्लेट्स हैं मेटल की रेक्टेंगुलर शेप में, इनको आपने कंसिडर किया था दो प्लेट्स को। एंड आफ्टर दैट बेटे व्हाट यू डिड वाज दैट आपने एक मेटल का स्फीयर विद द हेल्प ऑफ ए रॉड ऐसे एडजस्ट किया, एक मेटल का स्फीयर विद द हेल्प ऑफ ए रॉड इधर से एडजस्ट किया, और इनको आपने एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के साथ कनेक्ट कर दिया था, समथिंग लाइक दिस बेटे। और बच्चों फिर आपने क्या किया था, कनेक्ट करने के बाद ये आपका ऐसे कनेक्टेड था, यहाँ से आप इसको बेटा इनपुट दे देते हो, हाई फ्रीक्वेंसी इनपुट दे देते हो। एंड व्हाट हैपेंस फर्दर इज दैट ये जो इनके बीच में गैप है, इसमें बेटे एयर की आयोनाइजेशन की वजह से चार्ज जो है दैट बेटे स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग, और जो ऑसिलेटिंग चार्ज है इट रिजल्ट्स इनटू द प्रोडक्शन ऑफ द वेरिंग इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड्स बेटा म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड्स दैट गेट्स जनरेटेड, और उसको डिटेक्ट करने के लिए वी वर मेकिंग यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर डिटेक्टर, एंड दिस वॉज टर्म्ड एज डिटेक्टर। ये आपकी प्लेट्स थी बेटा दो हॉरिजॉन्टल, ये स्फीयर S1 ये S2, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ये आपका हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। रिजल्ट हमने इसका क्या निकाला था बेटा लास्ट टाइम, कि अगर आप इसको हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो वी गेट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल एंड सी बेटा। और आपको याद होगा हमने बात की थी कि हर्ट्ज एक्सपेरिमेंटल सेटअप में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट हुई थी बेटा, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बेटा कोई भी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन जो है दैट वाज नॉट एट दैट टाइम डन बेटे। और उसके बाद रीजन बीइंग ये कि उनकी वेवलेंथ ज्यादा थी। उसके बाद बेटे इंडियन साइंटिस्ट JC बोस ही आल्सो वर्कड अपॉन द सेम कंसेप्ट इन द लेबोरेटरी एंड ही वाज सक्सेसफुल इन प्रोड्यूसिंग 5 mm to 25 mm वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बट बेटे अनलकीली हिज फाइंडिंग्स कन्फाइंड टू द लेबोरेटरी ओनली। तो वो भी उनको इन रिजल्ट्स को बेटा प्रैक्टिकल शेप नहीं दे पाए, मे बी ड्यू टू द लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और समथिंग लाइक दैट एट दैट टाइम। उसके बाद बेटे मार्कोनी ही वाज अनदर साइंटिस्ट रिलेटेड टू द सेम फील्ड, उन्होंने बेटा फॉर द फर्स्ट टाइम प्रैक्टिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को 50 किलोमीटर की रेंज तक जो है इनको प्रोपेगेट करवाकर इनकी जो कमर्शियलाइजेशन है उसकी स्टार्टिंग की तरफ इन्होंने बेटा काम किया था। सो दैट वाज ऑल पॉसिबल ऑन द बेसिस ऑफ योर हर्ट्ज एक्सपेरिमेंटल सेटअप। मे बी यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट उन्होंने की होंगी, एनर्जी को वेरी किया होगा, गैप को थोड़ा एडजस्ट किया होगा, सम चेंजेस वर मेड इन ऑर्डर टू गेट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच कैन प्रोपेगेट फॉर द कमर्शियल वैल्यूज बेटा। तो ये आपका बेसिक एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। इसके बाद बेटे हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं जो यहाँ पे जनरेट हुई हैं, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बेटे प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं और इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज के साथ हम बच्चों कैसे डील कर सकते हैं। सो लेट अस से बेटा प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेटा। बेटे सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है ये
इनको बेटे किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती बेटा. दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन बेटे. इसके बाद बेटे इनकी जो स्पीड है दैट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर. इन एयर बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं ये 3×10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करती हैं. एंड फर्दर मोर इनकी जो स्पीड है एयर में दैट इज गिवन बाय 1/μ0 एंड एप्सिलॉन नॉट. ये फैक्टर को अगर आप सॉल्व कर लोगे यू विल गेट दिस बेटा. अगर बेटे आपका मीडियम एयर के बिना कोई और हो जाता है, चेंज हो जाता है मीडियम में, तो जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इट विल बी स्टिल डिपेंडेंट अपॉन दीज टू पैरामीटर्स, बट इट विल नॉट बी एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट, बट इट विल बी एप्सिलॉन एंड म्यू ओनली. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक और खास बात यह है कि इनकी जो वेलोसिटी है दैट इज गिवन बाई द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक टू द मैग्नेटिक फील्ड्स बेटे. आल्सो इनकी पीक वैल्यूज आप ले लेते हो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की बेटा, और वो रेशियो आपको दे देगी वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स जो वेरी कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, इनमें चेंजेस लेके आते हैं, एडजस्टमेंट कर देते हैं, तो ऑब्वियसली आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वेलोसिटी भी बदल जाएगा बेटा. एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है बेटा ये अपने साथ बेटे एनर्जी ट्रांसपोर्ट करती हैं. एनर्जी ट्रांसपोर्टेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. दिस इज बेटे गिवन बाई 1/ your अपने पास ही रख लो. एनर्जी ट्रांसपोर्टेड जो है बेटा इट इज गिवन बाई पॉइंटिंग वेक्टर और इट इज रिटन 1/μ0 ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बराबर आपकी एनर्जी ट्रांसपोर्टेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट वॉल्यूम इसके बराबर होती है. और बेटे जिस भी सरफेस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉल करती हैं दे एग्जर्ट द रेडिएशन प्रेशर आल्सो बेटा. जिस भी सरफेस पे आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेटे फॉल करेंगी दे एग्जर्ट द प्रेशर और यू कैन से दैट रेडिएशन प्रेशर ऑन द सरफेस अपॉन विच दे आर मेड टू फॉल बेटा. सो बेटे मैं एक बार फिर से बेसिक प्रॉपर्टीज को रिपीट कर रहा हूँ. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, फ्री स्पेस में या एयर में ये वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं और इनको किसी मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती, मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती. सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर आप लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बेटा तो ये लाइट वेव्स हैं. ये जो लाइट सन से अर्थ तक पहुंच रही है इट इज ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर. और याद रखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेरी करते हैं और इन दोनों के परपेंडिकुलरली आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है दैट गेट्स बेटा जनरेटेड. देन आपका जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एयर में दैट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन. और अगर आप मीडियम बदल दो एयर से कोई और मीडियम ले लोगे तो आप वेलोसिटी को कॉरस्पॉन्डिंगली इस तरीके से कैलकुलेट कर लोगे प्रोवाइडेड यू नो कि उसका म्यू कितना है और एप्सिलॉन कितना है. देन इट इज ऑल्सो गिवन बाई द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड्स बेटा. न्यूमेरिकल वैल्यूज कितनी है इनकी, पीक वैल्यूज कितनी है और एनर्जी ट्रांसपोर्टेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट
time that is given by the pointing vector, and it is 1 by mu naught times electric field vector multiplied by your magnetic field beta vector. Or lastly, ये जिस भी सरफेस पे फॉल करती हैं, they exert with a radiation pressure on that surface beta. और आप इनकी पोलराइजेशन भी कर सकते हो, और फर्दर मोर इनकी डाइफ्रेक्शन भी हो सकती है. ये कुछ और desirable beta effects हैं which we see in the case of the electromagnetic waves. जैसे आप अगर लाइट की भी बात कर लो, आप लाइट को पोलराइज भी कर सकते हो, लाइट को आप डाइफ्रेक्ट भी कर सकते हो, डाइफ्रेक्शन भी पॉसिबल है. तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो ये सारी सेटिस्फाइड रहती हैं बेटा इन दिस सिचुएशन. राइट बेटा, आगे बेटे मेरे पास छोटा सा कंसेप्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है. लेट अस बेटे कंसंट्रेट अपॉन दिस कंसेप्ट दैट व्हाट डू वी मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बच्चों कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, थोड़ा नाम से हमें अंदाजा हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में. ईश्वनीत, ईश्वनीत, यस सर, ठीक है ठीक है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेटा जो है इनके साथ रिलेटेड टर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम का मतलब होता है ऑर्डरली अरेंजमेंट. आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जितनी भी आपके पास नोन है इनको बेटा एक सीरियल वाइज मैनर में, चाहे असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ कह लो या असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज कह लो, उस ऑर्डर में आप इसको बेटे लिख देते हो. दैट ऑर्डरली अरेंजमेंट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. So let me write this beta. Electromagnetic spectrum is defined as the orderly arrangement of electromagnetic waves as a function of wavelength or beta frequencies. चाहे आप वेवलेंथ के बेसिस पे इनको अरेंज कर लो, चाहे फ्रीक्वेंसीज के बेसिस पे अरेंज कर लो. बच्चों आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के पार्ट्स की अगर मैं बात बताऊं, वी है बेटा रेडियो वेव्स, we have dear children microwaves, we have infra red waves, we have visible spectrum, we have ultraviolet spectrum, then we have x-rays beta, and then we have x-rays ke baad kaun sa hota hai, increasing order of frequency agar le le, it is gamma rays beta, gamma rays. To ye aapke bete electromagnetic spectrum ke components hain. Aaiye main inko beta ek bar tabular form mein bana bhi do, आपकी थोड़ी और हेल्प हो जाएगी. आप क्या करिए, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ले लीजिए इस तरीके से बेटा, समथिंग लाइक दिस बेटे. और आइए रीजन्स को मार्क कर लेते हैं. वी हैव, दिस इज रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज एंड गामा रेज. इसको मैं पार्ट को, लास्ट वाले को रब कर देता हूं. आइए वन बाय वन बात करके देखें. ये वाला पार्ट आपका जो है इट इज इंडिकेटिंग रेडियो वेव्स बेटा, ये वाला पार्ट इंडिकेट कर रहा है माइक्रोवेव्स को बेटा, और ये वाला पार्ट आपका
इंफ्रारेड रेस, और ये सारे का सारा आपका जो है इट इज विजिबल रीजन। और बेटा विजिबल के बाद आपका ये अल्ट्रावायलेट और ये एक्स रेस, और बेटा ये गामा रेस का रीजन आप देख सकते हो। और बेटे ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसीज है। आइए देखें 10 डेज पर 4 हर्ट्ज, 10 डेज पर 8 हर्ट्ज, 10 डेज पर 13, और ये कलेक्टिवली 10 डेज पर 14, 10 डेज पर 16, 10 डेज पर 18, 10 डेज पर 22 के ऑर्डर का ये सारे का सारा अरेंजमेंट आपका है। अगर डियर चिल्ड्रन फ्रीक्वेंसीज इस तरफ बढ़ रही हैं, इंक्रीजिंग और असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसीज है, तो वेवलेंथ क्या होगा? हाँ जी, वेवलेंथ इस तरफ बढ़ेगा ना फिर, बिकॉज इट इज वेल नोन दैट सी इज इक्वल टू न्यू, वी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है ना बेटा, सी न्यू लैम्डा अगर आप लोगे तो लैम्डा विल बी सी अपॉन न्यू, आपका लैम्डा इनवर्सली फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट रहेगा। और डियर चिल्ड्रन मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपकी वेवलेंथ को अगर हमने देखना हो, आपकी वेवलेंथ इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ, दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसी से। कोशिश करिएगा दोनों में से एक चीज आपको याद रह जाए, या वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी, बिकॉज सी की वैल्यू तो चलो आपको पता ही होगी, और बाकी फिर अगर आप लैम्डा निकालना चाहेंगे आप यहां से निकाल लो। समझ पा रहे हो ना बेटे मैं क्या कह रहा हूँ? ईश्वनी ध्रुव भूमिका सुप्रिया मानविया चरणजोत, यस सर, बाकी कोई भी नहीं बोल रहा है सर, बाकी है अगली क्लास में। कहाँ चले गए हैं फिर बाकी सारे? गुंजोत, भूमिका, चरणजोत सिंह, अवि उपल, यस सर, इज इट ऑल क्लियर और ऑल वेल? यस सर, सारा समझ आ रहा है साथ साथ? हाँ जी सर। रोहन भारद्वाज, सुप्रिया, लक्ष्य सानी, मानविया, अरे सारे एक्टिव हैं बच्चों, सारे एक्टिवली सुन रहे हैं ना, बता दिया करो थोड़ा मुझे भी। चरणजोत, अभि उपल, मानविया, सुप्रीत, यस सर, एक ही बच्चा बोलता है, बाकी बोलते कम है। हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है बेटे, गुड। आपको मैं यही बुलवाना ही था थोड़ा सा, कोई बात नहीं, बाकी आप काम कर रहे हो, दैट्स नाइस। चलें आगे। यस सर। इनको एक बार रीलुक करने की जरूरत है कि चलें आगे? ध्रुव, ध्रुव इश्मुनीत। हाँ जी सर। बेटे ये सारा क्लियर है सारा टॉपिक? यस सर। अच्छे से? यस सर। चलिए बड़ी खुशी वाली बात है, ऐसे ही मत यस कह देना, ठीक है? हाँ जी सर। चलिए बेटे आगे चलते हैं फिर। बेटा ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को मैंने यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश की थी, जस्ट टू इंडिकेट यू दैट कि हम स्पेक्ट्रम बना कैसे सकते हैं। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसीज का ऑर्डर दिया हुआ है आपको, ये बेटे 10 डेज पर 4 हर्ट्ज के ऑर्डर का है, ये 8 हर्ट्ज के ऑर्डर का है, 13, देन ये बेटे आपका विजिबल स्पेक्ट्रम पूरा ही 10 डेज पर 14 हर्ट्ज के ऑर्डर का है, बिकॉज यू नो दैट कि इसमें आपका वी आई बी जी वाई ओ आर वायलेट से लेकर रेड कलर तक के सारे 7 कलर्स प्रेजेंट होते हैं, और वो इसी रेंज में आपके सारे कलर्स अब इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज लाई करते हैं। देन ये तो चलो आपने देख लिया है, इनके एजेस पे कौन कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यूज आपकी फ्रीक्वेंसीज की आपको मिल रही है, राइट बेटा? चलें अब आगे। अब बेटे हमारे पास ये है बात कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कंपोनेंट्स हैं
ये कंपोनेंट्स बने कैसे और बेटा इनका यूज क्या है, आइए वन बाय वन बेटे बात करें इनके बारे में। ओरिजिन इनकी क्या है और इनके यूजेस क्या है, किनके आपके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्पेक्ट्रम के। सबसे पहले आपने बात की थी बेटा रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स की। देन आपने बात की थी माइक्रोवेव्स की। देन आपने बात की थी इंफ्रा रेड वेव्स की। देन आपने बात की थी किसकी, विजिबल रीजन की। इसके बाद आपने बात क्या की थी, अल्ट्रा वायलेट रीजन की। इसके बाद एक्सरेज के रीजन की। इसके बाद गामा रेज के रीजन की। बहुत बढ़िया, नाइस, आपको ऑर्डर तो याद हो गया, दैट्स गुड। अब हमने देखना है कि ये ओरिजिनेट कैसे होते हैं और इनका यूज क्या है। ध्यान से सुनिएगा, रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स आपकी जो है बेटा ये ऑसिलेटिंग एलसी सर्किट्स में जनरेट होती हैं। एलसी सर्किट्स आपने ऑलरेडी एलसी और सीरीज सर्किट के बारे में आपने बात की हुई है। एलसी सर्किट्स का मतलब होता है इंडक्टर और कैपेसिटर को आपने कंबाइन कर दिया, कनेक्ट कर दिया। जब आप कनेक्ट कर दोगे तो वहां पर बेटे आपकी जो फ्रीक्वेंसीज आपको अमिट होके मिल रही हैं, दीज आर ऑल रेडियो वेव्स बेटा, और यू कैन से दैट दीज आर अमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सिलरेटेड इन एल सी सर्किट्स बेटा, तो आपको रेडियो वेव्स आपकी मिल जाती है। ये पॉइंट था इनकी ओरिजिन के रिगार्डिंग बेटा। अब आप बता सकते हो रेडियो वेव्स को यूज कहाँ करते हैं हम? हाँ जी पुत्र जी, रेडियो वेव्स कहाँ यूज होती हैं? इट इज सिग्नल्स को ट्रांसमिशन के लिए और टीवी टावर से आ जाती हैं और हम उनको कैच कर लेते हैं। वेरी नाइस गुड़िया, आप जो इन दोनों ने बोल दिया, ठीक बोल दिया, वेरी नाइस। रेडियो वेव्स में बेटे क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये आपके बेटा कम्युनिकेशन डिवाइसेस में यूज होती हैं। रेडियो वेव्स दीज आर बेसिकली यूज्ड इन द कम्युनिकेशन डिवाइसेस। जितने भी आपके कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, आपके पास कोई मोबाइल फोन है, टीवी सिग्नल आपने ट्रांसमिट करना है, रेडियो सिग्नल आपने ट्रांसमिट करना है, ठीक है जी, कोई आपके पास ऐसे भी आपने देखा होगा कई बार बच्चे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक टॉयज के साथ खेलते हैं, तो वो एक रिमोट कंट्रोल टॉय होता है, आप वहां पे बैठे हो रिमोट से कंट्रोल कर रहे हो उसकी मूवमेंट्स को, दैट इज ऑल्सो ऑपरेटेड बाई द रेडियो वेव्स बेटा। सो डियर चिल्ड्रन, आप कम्युनिकेशन डिवाइसेस मैंने कलेक्टिवली लिख दिया है, आप लिख सकते हैं कि टीवी सिग्नल्स की ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन और आपके रेडियो सिग्नल्स की ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन। देन बेटा आपके जो रिमोट सेंसिंग डिवाइसेस हैं इनके सिग्नल्स की ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन, दैट इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ द रेडियो वेव्स ओनली। तो ये बेटे डियर चिल्ड्रन आपके रेडियो वेव्स के यूजेस हैं बेटा। इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया था मैंने आपका टाइम सेव करने के लिए, राइट। देन बेटे माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स जो है बेटा दीज आर क्रिएटेड और जनरेटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड इन द फाइन कैविटीज बेटा। माइक्रोवेव्स आर जनरेटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड इन कैविटीज बेटा। कैविटीज बेटे बड़े स्मॉल रीजन्स होते हैं जहां पे आपने अपने वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स अप्लाई किए हुए होते हैं,
बड़ी फाइन छोटे साइज की होती हैं ये कैविटीज, और उनमें जब आप अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करते हो तो माइक्रोवेव्स जनरेट हो जाती हैं। और माइक्रोवेव्स का सबसे बड़ा यूज बेटे जो है ये मिलिट्री इक्विपमेंट्स में है, रडार्स जो हैं वो माइक्रोवेव्स के ऊपर काम करते हैं। जितने भी हमारे पास बेटे रडार हैं, मैं ये नहीं कहता कि इनमें रेडियो वेव्स नहीं यूज होती, ये कलेक्टिव यूज है रेडियो और माइक्रोवेव्स का। रडार कम्युनिकेशन बेसिकली, और साथ ही साथ बेटा माइक्रोवेव्स आपकी जो है लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन में हेल्पफुल होती है। दीज आर हेल्पफुल इन लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, राइट बेटा? लाइन ऑफ साइट का मतलब होता है बिल्कुल सीधे सीधे, कर्वेचर के अलोंग नहीं चलेंगी। इनकी वेवलेंथ जो है बेटा ये काफी ज्यादा इस तरीके से होती है कि ये बेंड नहीं कर पाती है बेटा, राइट? लार्ज वेवलेंथ होने की वजह से। इंफ्रारेड बेटा रेज कैसे जनरेट होती है, एनीवन फ्रॉम योर साइड बेटा? इंफ्रारेड रेडिएशंस और वेव्स कहां से जनरेट होती हैं? हाँ जी, इंफ्रारेड नहीं है, इनका बेसिकली सोर्स सन ही होता है ना बेटा? सन से जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशंस आ रही हैं बेटा, उन रेडिएशंस का एक कंपोनेंट इंफ्रारेड रेडिएशंस भी है। और बेसिकली स्पीकिंग, अदरवाइज अगर हम ऑन एंड अदर वे किसी और सोर्स की बात करें, जितनी भी आपकी हॉट बॉडीज हैं ये इंफ्रारेड रेडिएशंस को ट्रांसमिट करती है। आप लोगों ने कभी देखा होगा, सुना होगा कि कई बार मसल्स में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो वो जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं या डॉक्टर्स हैं वो आपको वो गर्म पानी की बॉटल या गर्म पानी का एक वो थैला सा होता है, वो कहते हैं कि अपनी बॉडी के उस पार्ट के साथ कांटेक्ट में रखिए, तो वो इंफ्रारेड थेरेपी भी कहा जाता है, वो आपके मसल्स को रिलैक्स कर देता है। इसका यूज ही ये है, इट इज इंफ्रारेड रेडिएशन आपकी जो है मसल्स की रिलैक्सेशन के लिए, और फॉर्ज राइटिंग्स को पढ़ने के लिए, सीक्रेट राइटिंग्स को पढ़ने के लिए, फॉग और हेज में भी ये ट्रेवल करती हैं, नाइट विजन डिवाइसेस में बहुत यूज होती हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस जो हैं, दीज फाइंड वाइड एप्लीकेशंस इन द नाइट विजन डिवाइसेस, थर्मल कैमराज में, ठीक है पुत्र? और एट द नाइट टाइम अर्थ की पिक्चर्स लेने में भी आपकी इंफ्रारेड रेडिएशंस काफी हेल्प करती है। मैं सारे पॉइंट्स एक बार फिर से बोल रहा हूँ बेटा, इंफ्रारेड रेडिएशंस का अल्टीमेट सोर्स सन ही है, लेकिन हॉट बॉडीज जो हैं दे आल्सो अमिट इंफ्रारेड रेडिएशंस अप टू सम एक्सटेंट। इनके यूजेस की बात करें, इनको बेटे मसल्स की ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, मसल्स पुल हो जाए या कोई और प्रॉब्लम हो जाए, इसको एज अ फॉर्म ऑफ हीट मसल रिलैक्सेंट यूज किया जाता है। और देन इंफ्रारेड रेडिएशंस बिकॉज मिस्ट हेज फॉग में से पास कर जाती हैं, इनको आप नाइट विजन डिवाइसेस या थर्मल कैमरास में बहुत यूज करते हो, और इनको एट द नाइट टाइम अर्थ की पिक्चर्स लेने के लिए भी यूज किया जाता है बाय द सैटेलाइट्स बेटा। सो दीज आर वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस बेटा। विजिबल रीजन इसकी तो हमारा जो आई साइट है इट इज लिमिटेड टू द विजिबल रीजन ओनली बेटा। आपके सेवन कलर्स हैं वी आई बी जी वाई ओ आर। रेड कलर की वेवलेंथ याद है आपको? याद रखिएगा 780 नैनोमीटर, और वायलेट कलर की 420 नैनोमीटर। तो ये वेवलेंथ की रेंज है, इस रेंज में हम देख पाते हैं। इस विजिबल रीजन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि हमारा विजन का रीजन ही ये है, राइट? और विजिबल रेडिएशंस बेटा ओरिजिनेट कैसे होती हैं? जब आपके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जो है एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जब एटम्स जंप कर जाते हैं तो दीज आर अकंपनीड बाय द एमिशन ऑफ द रेडिएशंस, और इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस ये आपकी
विजिबल रीजन में लाई करती है. एंड देन वी कम टू द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस बेटा. अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आपकी अगेन बेटा इनका सोर्स सन है. सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस निकलती हैं. ओजोन लेयर आपका इनको फिल्टर आउट कर देता है. और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की यूज क्या है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को बेटे आप आपने देखा होगा आपके पास बेटे घर में आजकल सबके वो पानी के प्योरीफायर लगे हुए हैं. यहाँ उसमें लिखा होता है यूवी प्योरिफिकेशन, अल्ट्रावायलेट प्योरिफिकेशन. इट इज यूज टू किल द जर्म्स प्रेजेंट इन द और बैक्टीरिया प्रेजेंट इन वाटर. सेफ पानी को पीने के लिए बनाने के लिए यूज करते हैं. और सबसे बड़ी बात, जो डॉक्टर्स हैं वो अपने बेटे जो सर्जरी परफॉर्म करने वाले टूल्स हैं, ऑपरेशंस करने वाले टूल्स जो हैं, उनको अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस या अल्ट्रावायलेट सेंसर्स के साथ स्टेरलाइज करते हैं. ऐसा नहीं है कि एक बंदे का ऑपरेशन किया फिर वो उसको धोएंगे, ऐसा नहीं होता, धोता कोई नहीं है. उनको बेटे क्लीन करने के बाद अल्ट्रावायलेट थेरेपी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एक्सपोज कर दिया जाता है ताकि एक पर्टिकुलर पर्सन के बैक्टीरिया या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दे मे नॉट एंटर द बॉडी ऑफ द अदर पर्सन अपॉन विच द सर्जरी इज अगेन टू बी परफॉर्म्ड. देन एक्सरेज ये हमारी बोन्स में से पास नहीं कर पाती हैं, तो इनको बेटा एक्सरेज प्रोड्यूस कैसे होती हैं, जब आपकी बेटे रेडिएशंस को हम हाई एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स के साथ बेटा रोक लेते हैं तो एक्सरेज प्रोड्यूस हो जाती है. इनका एक्सरेज को बेटे हम अपनी बोन्स में फ्रैक्चर्स वगैरह, फॉल्ट्स वगैरह देखने के लिए, या सिक्योरिटी एजेंसीज भी इसको यूज करती हैं. जब आप देखते हो कि एयरपोर्ट पे या ट्रेन्स आपके मेट्रो स्टेशन हैं वहां पे एक्सरे चैम्बर में से पर्सन को पास करवा दिया जाता है ताकि कोई भी अनवांटेड जो मेटल आइटम है दैट मे नॉट बी कैरीड बाय द पर्सन. हैं जी, हाई एनर्जी रेडिएशंस हैं ये. इनको बेटे जब हम हाईली एनर्जेटिक एटम्स को डी एक्सलरेट कर देते हैं हाई एटॉमिक नंबर जो आपके एलिमेंट्स हैं उनके साथ, देन दीज आर जनरेटेड. और आपकी जो गामा रेज हैं बेटा, गामा रेज इनको बेटे प्रोड्यूस करने के लिए अगेन वी से दैट कि जब आपके इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम में एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जंप करते हैं तो गामा रेज एमिट हो जाती हैं. और गामा रेज को बेटे हम फॉर द ह्यूमन बॉडी इसको स्टडी करने के लिए या ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर वगैरह आपकी जो डिफरेंट डिफरेंट थेरेपीज हैं उनमें इसको यूज करते हैं. सो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसकी ओरिजिन, इसके यूजेस हैं बेटा. इनको एक बार जरूर पढ़िएगा ध्यान से, तो कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम आपका चैप्टर बेटे कंप्लीट हो जाए. थैंक यू ऑल बेटा. हाँ जी बेटे.